दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शनि देव की सबसे ऊंची मूर्ति कहां पर है और कौन से मंदिर में है? आखिर कौन सा है यह मंदिर जिसमें शनि देव की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्थापित है? इसी खास मंदिर के बारे में दोस्तों हम आपको इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे भी ऐसी लेटेस्ट और धार्मिक वीडियो देखने को मिलती रहे। दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली में शनि धाम मंदिर है, जिसकी खास बात यह है कि यहाँ पर शनि देव की जो मूर्ति है वो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। और इसके अलावा शनि देव का यह मंदिर एक और खास बात के लिए जाना जाता है। अक्सर कोई भी देवता हो उसका एक वाहन सुनिश्चित होता है, मगर जब शनि धाम में शनि देव की बात आती है तो कुछ अलग ही देखने को मिलता है। इस मंदिर में आने पर आपको शनि देव केवल एक ही वाहन पर दिखाई नहीं देंगे, बल्कि नई जगह पर वह हर नए वाहन के साथ आपको शनिदेव नजर आएंगे। कभी शनिदेव भैंस पर विराजमान आपको नजर आएंगे, तो किसी जगह पर वह गिद्ध पर बैठे दिखाई देंगे। इसी तरह हर जगह वो अलग अलग अंदाज में बैठे नजर आएंगे। 31 मई साल 2003 में अनंत श्री विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने शनिदेव की सबसे बड़ी मूर्ति का अनावरण किया था। उसी दिन से शनिदेव का यह मंदिर भक्तों के लिए आकर्षण का मुख्य विषय बन गया है। शनिदेव की सबसे बड़ी मूर्ति का अनावरण करने से पहले श्री शनि धाम में संत शिरोमणि शनि चुनरी रागी दत्ती मदन महाराज राजस्थान जी ने 100,32,00,000 शनिदेव के पवित्र मंत्रों का जप एक पवित्र बाग में किया था। इस मंदिर में जो शनिदेव की पत्थर की मूर्ति है वो कुदरती पत्थर की मूर्ति है। उस मूर्ति को किसी ने अपने हाथों से नहीं बनाया। शायद इसी वजह से दुनिया भर से भक्त इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं और उनके बीच यह आकर्षण का मुख्य केंद्र है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो शनिदेव की पूजा करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। इस मंदिर में शनिदेव के अलावा भी अन्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। इसके अलावा यहाँ के आश्रम में बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी और एक संशोधन का केंद्र है, जहाँ पर ज्योतिषी, आयुर्वेद, योग और तंत्र से जुड़े सवालों के जवाब बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। रथेर ऋषि राजस्थानी यहाँ पर आए गए हर भक्त के सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। शनि धाम में पूर्व दिशा में शनि देव की चमकती हुई मूर्ति दिखाई देती है। इस मंदिर में सारे दरवाजे पश्चिम की दिशा में आते हैं। उत्तर और दक्षिण दोनों ही दिशाओं में शनि देव की विभिन्न मूर्तियाँ दिखाई देती हैं, जिनमें शनि देव अलग अलग तरह के वाहनों पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा एक अन्य कमरे में शनि देव से जुड़ी बहुत ही खास ज्योतिष की किताबें सभी भक्तों को यहाँ देखने को मिल जाती हैं। अगर आप भी दोस्तों मंदिर में पूजा करवाना चाहते हैं तो मंदिर के पास ही पूजा के लिए सामग्री बहुत ही मामूली कीमतों पर उपलब्ध हो जाती है, और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए इस मंदिर में बाहर की किसी भी सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं दी जाती। जब से इस मंदिर की स्थापना हुई है, ऐसा माना जाता है कि जब भक्त शनिदेव को तेल चढ़ाते हैं तो भक्तों की समस्या का समाधान हो जाता है। मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पूजा करने के लिए कोई भी पुजारी या संत नहीं है। यहाँ सभी पुरुष और महिलाएं दोनों खुद पूजा कर सकते हैं। मंदिर में पूजा करने वाला कोई भी भक्त एक दूसरे से बात नहीं करता और पूजा में अपना ध्यान लगाकर मंदिर को शांत और पवित्र बनाए रखते हैं। अगर आप दोस्तों दिल्ली मेट्रो से यहाँ जाना चाहते हैं तो यहाँ के सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है छतरपुर और कुतुब मीनार। आप दोनों ही से यहाँ उतर कर नीचे ऑटो ले सकते हैं, जो आपको सीधे शनि धाम पर छोड़ देगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। यह थी दिल्ली में मौजूद शनि धाम के बारे में एक छोटी सी वीडियो और कुछ जानकारी। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना ना भूलें।